गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हेमंत। आज से आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मिस्टर प्रमोद सर आपको पढ़ाएंगे। चलो ये आइए सर। बिल्कुल, ये आपके प्रमोद सर हैं और आज से आपको ये मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। मैं आपको अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 6 चैप्टर ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो एक्सरसाइज है अपने पास, उसमें अपने पास एनसीईआरटी का जो 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो थोड़ा सा अपने लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो उसमें क्या दिया गया है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन में हमें बताया गया है ABCD एक ट्रेपीजियम, ABCD जे ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर हम एक ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 ABCD जे ट्रेपीजियम। तो यहाँ एक ट्रेपीजियम हमने रिप्रेजेंट किया। फिर इसमें बताया गया आपको कि डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे अपने पास ABCD इज ए ट्रेपीजियम, डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। तो इसी बात को हम साथ में डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर देते हैं कि डायगोनल ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर हमें जो कुछ बात लेके भी आनी है प्रूव दैट के रूप में, हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि OA के अपॉन में OB को रिप्रेजेंट करना है, OC के अपॉन में OD को रिप्रेजेंट करके फिर इनको इक्वल रिप्रेजेंट करना है। तो इस केस को लाने के लिए अपने पास यहाँ पर 2 पैटर्न है। फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें क्या है, अपने कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो उस कंस्ट्रक्शन में अपने पास यहाँ पे OE लाइन पहले ड्रॉ करेंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे OE, ड्रॉ लिख के OE पहले AB हमने कंस्ट्रक्शन में किया, OE पैरेलल AB। अब AB अपने पास यहाँ पे पैरेलल होगी CD के साथ। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अगर ABCD ट्रेपीजियम है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये लाइन आपके साथ क्या है, पैरेलल है AB के साथ CD। तो यहाँ हमने OE को पैरेलल AB के साथ लिखा है और AB पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ। तो इसलिए अपने पास OE भी पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, CD के साथ। फिर यहाँ पे हमें जो लेके आना है उसको लाने के लिए हमें प्रूफ के पॉइंट में चलना होगा। और प्रूफ के पॉइंट में देखते हैं हम, अपने पास OE जो लाइन है वो AB के पैरेलल ली है, तो ये दोनों किस ट्राइंगल के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, ताकि इसमें BPT लग जाए। तो BPT लगाने के लिए हमने ट्राइंगल को सिलेक्ट किया DAB। तो यहाँ हमने एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया DAB जिसके अंदर OE लाइन पैरेलल रिप्रेजेंट हो रही है AB के साथ। अब OE को AB के साथ अगर हम पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने पास BPT का जो स्टेटमेंट है वो हमें कुछ इस तरह से ये लर्न है कि ट्राइंगल ABC जिसमें DE लाइन पैरेलल है BC के साथ, कि ट्राइंगल के अंदर वन साइड है, वन साइड के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ की गई है जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, टू पॉइंट्स पे D और E पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से अपने पास यहाँ पे रेशियो बनता है फर्स्ट साइड का AD अपॉन BD, सेकेंड साइड का रेशियो बनता है AE अपॉन AC। ये जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर प्रोपोर्शनल बताया जाता है। तो इसी BPT को लेकर के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये लाइन। तो ये BPT के लिए स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रो है, वो लाइन अगर अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स पे, ठीक है, तो उस टू पॉइंट्स की वजह से अदर टू साइड्स के दोनों जो रेशियो हैं वो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी BPT में, ठीक है। अब उस BPT की वजह से हमें यहाँ पे इसको अप्लाई भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं अप्लाई, कर सकते हैं, yes, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ट्राइंगल सेलेक्ट होता है ABE। अब इसके अंदर क्या है, अपने पास OE पैरेलल है AB। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो लिखना होता है, वो रेशियो किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन पैरेलल जो आपको बताई गई थी इसमें, तो इस लाइन के ऊपर से हमने रेशियो सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या है, ऊपर की तरफ जो पॉइंट है उससे रेशियो सेलेक्ट करना होगा। अब ये रेशियो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो रेशियो बनता है अपने पास DE अपॉन में होगा AE इक्वल OD अपॉन में OB।
इसको इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, साथ में इसका रीजन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग बीपीटी, बीपीटी को हमने यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट कंडीशन में अपने पास ये ओई लाइन ए बी के पैरेलल थी, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन में बता रहे थे कि ए बी के पैरेलल सी डी भी है, तो सी डी के पैरेलल होने की वजह से क्या है, ओई सी डी के पैरेलल भी रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। अब ये कौन से ट्राइंगल में रिप्रेजेंट हो रही है उस बात को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखो ओई लाइन डी सी ये इस ट्राइंगल के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ हमने उस वापस से ट्राइंगल का नेम लिखा ए डी सी, ए डी सी। इसके अंदर कौन सी लाइन पैरेलल रिप्रेजेंट हो रही है, ओ ई पैरेलल हो रही है सी डी के साथ। क्या इसमें भी बीपीटी लग सकती है? अब इसमें बीपीटी लगने के लिए हमें ठीक है थोड़ा सा डायग्राम को हमें इमेजिन करना होगा कि ये ट्राइंगल अभी तो हमें नीचे दिख रहा है, लेकिन हमें इमेजिन करके क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर की तरफ अगर इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा इस तरह से, ये ए पॉइंट हमने ऊपर लिया, ठीक है, फिर ई पॉइंट, ओ पॉइंट, ये लाइन अपने पास हो जाएगी कौन सी, डी पॉइंट, और सी पॉइंट की वजह से डी सी लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो बीपीटी लग रही है नहीं लग रही है, ये लाइन पैरेलल दिख रही है, तो हमें रेशियो बन रहा है ए ई अपॉन ए डी। तो यहाँ हमने लिखा ए ई अपॉन ए डी इक्वल ओ ए अपॉन में ओ सी, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यूजिंग बीपीटी। अब ये हमने बीपीटी के द्वारा लिया, बीपीटी के बाद में लेने के बाद में इन दोनों केस को हम यहाँ चेक करते हैं कि इसमें कोई कंडीशन हमें सेम मैच हो रही है क्या। तो देखो यहाँ हमें कोशिश की मैच करने की, तो ए ई नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट है, डी ई नेम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट है जो हमने डी ई डी लिख रखा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ए ई अपने पास यहाँ पे अपॉन में रिप्रेजेंट है, यहाँ पे ए ई क्या है, न्यूमरेटर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? तो यहाँ हम सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हमें कुछ कंडीशन फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए उस कंडीशन के लिए अपने पास यहाँ पे इस कंडीशन को हम यहाँ पे रिसिप्रोकल करते हैं। तो ये जो कंडीशन रिसिप्रोकल होगी, सेकंड डी ई अपॉन ए ई इक्वल ओ सी अपॉन ओ ए, इक्वेशन नंबर थ्री। अब फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को चेक कर दें एक बार फिर। तो फर्स्ट एंड थर्ड को चेक कर रहे हैं, तो डी ई नाम मैच हो गए, ए ई मैच हो चुका। तो फर्स्ट एंड थर्ड से लिखते हैं फिर, तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो यहाँ सेम कंडीशन है, ये कंडीशन इसके इक्वल है, यही कंडीशन इसके इक्वल है, तो सेम कंडीशन है वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और जो रिमेनिंग कंडीशन उनको इक्वल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ओ डी अपॉन में क्या है, ओ बी, फिर ओ सी अपॉन में ओ ए। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, ओ डी अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ ए। अब हमें जो लाना है उसकी तरफ थोड़ा सा गौर कर दें, तो इसमें हमें लेके आना है ओ ए अपॉन ओ बी, लेकिन यहाँ पे अपने पास ओ बी और ओ ए दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हैं। अब ओ ए का ट्रांसफ़र अगर कर लें तो शायद ये कुछ कंडीशन बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन को बनाने के लिए ओ ई का हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये कंडीशन अपॉन में है, तो लेफ्ट साइड में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की फॉर्म में आ जाएगी। तो ओ ए अपॉन ओ बी बन जाएगा, और ओ सी और ओ डी को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ओ ए अपॉन ओ डी। तो इसी की वजह से अपने पास जो हमें रिजल्ट पूछा गया था वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पैटर्न से चेक करते हैं, जिसमें हमें ए बी सी डी ट्रेपीजियम बताया गया था, डायगनल इंटरसेक्ट बताए गए थे ओ पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे यही बात है, वापस से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट। फिर हमें कुछ बात लेके आनी थी प्रूव दैट के पॉइंट में, वो बात यहाँ पे लिख देते हैं। प्रूव दैट के पॉइंट में देखो क्या है अपने पास, ओ ए के अपॉन में यहाँ पे चाहिए हमें ओ बी, ओ सी के अपॉन में ओ डी। तो इस बात को लाने के लिए अपने पास यहाँ पे, ठीक है, हम इसको पहले बी पी डी से कर चुके हैं, अब दूसरा जो पैटर्न है उस पैटर्न में इसको सिमिलरिटी से करते हैं। तो सिमिलरिटी हमें करने के लिए
दो ट्राइंगल का सिलेक्शन करना होगा। फर्स्ट ट्राइंगल का सिलेक्शन किया ए ओ बी एंड सेकेंड जो ट्राइंगल होगा उसका नेम होगा सी ओ डी। अब देखिए अपने पास इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलियर करना है। अब सिमिलियर करने के लिए हमें रूल पता है, ठीक है, या तो दो एंगल इक्वल दिखा दो या थ्री एंगल इक्वल दिखा के भी हम सिमिलियर कर सकते हैं, फिर थ्री साइड का रेशियो दिखा करके भी हम सिमिलियर कर सकते हैं इसको, या फिर अपने पास यहाँ पे सिमिलियर करने के लिए दो साइड का रेशियो और एक उनके बीच का एंगल, ये इतने रूल हमें सिमिलियर करने के लिए मिलते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा अपने पास यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये दो फर्स्ट रूल जो अपने पास है, फर्स्ट और सेकंड जो रूल है, क्लियर करने के लिए अपने पास ये दोनों रूल इसमें फॉलो कर सकते हैं। अब इनमें फॉलो करने के लिए अपने पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि दो एंगल से जब हमें काम चल रहा है तो तीसरा एंगल किस लिए लेके चलें, इक्वल दिखाने के लिए। तो यहाँ हम दो एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। अब वो दो एंगल कौन से इक्वल होंगे उनको यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। इस एंगल को और इस एंगल को नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं वन और टू। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल नंबर वन और एंगल नंबर टू, इनका रीजन हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्री और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर, तो एंगल थ्री और फोर भी अपने पास यहाँ पे इक्वल हैं। तो एंगल नंबर थ्री इक्वल होगा अपने पास एंगल नंबर फोर। इसका जो रीजन होगा वो होगा अल्टरनेट एंगल। अब अपने पास सेकंड कंडीशन हो चुकी, तो उसकी वजह से अपने पास ट्राइंगल सिमिलियर तो हो चुके हैं। अगर थर्ड कंडीशन और रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस एंगल को नंबर डाल दो फाइव और इसको डाल दो सिक्स, ये दोनों एंगल भी अपने पास यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें दो कंडीशन से ही ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो रही है, तो थर्ड कंडीशन को एक बार यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इन दोनों ट्राइंगल के नेम के बीच में हम सिमिलियर का साइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये साइन हमने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद में इसका रीजन किस रूल के द्वारा इसको हमने सिमिलियर बताया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं डबल ए, दो एंगल की वजह से ही सिमिलियर हुआ है। अब सिमिलियर हो तो सिमिलियरिटी की प्रॉपर्टी से भी लिखा जाता है कि इसमें साइड का रेशियो होता है। तो यहाँ साइड के रेशियो बनाने के लिए फर्स्ट टू नेम अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं फर्स्ट ट्राइंगल में, तो सेकेंड ट्राइंगल में भी फर्स्ट टू नेम सिलेक्ट होंगे, फिर इक्वल होगा। लास्ट टू नेम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट ट्राइंगल के, तो सेकेंड ट्राइंगल में भी लास्ट टू नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे OD। तो देखो यहाँ पे बनेगा OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। अब हमें जो लेके आना है उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई थी दोनों में सेम थी, उसी कंडीशन को लाने के लिए देखो अब इसमें OB हमें डिनोमिनेटर की फॉर्म में चाहिए, तो इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र करने की वजह से अपने पास क्या हो जाएगा OA अपॉन OB, और ये OC है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की फॉर्म में, और अपॉन में क्या हो जाएगा OD। तो ये कंडीशन हमें फाइंड आउट हो जाती है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको दो तरीके से हमने यहाँ पे करके देखा है, तो ये अपने लिए था अपना अच्छा क्वेश्चन था 6.2 का। अब आप देखो इसको हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। देखो फाइव और सिक्स भी आ जाएगा, कोई हमें डाउट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कोई भी दो एंगल दिखाने हैं, तो यहाँ पे कोई भी दो एंगल दिखाने के लिए ये अपने पास फाइव नंबर डाला और ये सिक्स नंबर, ठीक है। अब एक गलती यहाँ पे जरूर कर सकते हो आप लोग, वो गलती क्या है, देखो यहाँ पे मैंने थ्री और फोर लिखा है, आप जल्दी में क्या कर देते हो इसको एंगल नंबर फोर इक्वल एंगल नंबर थ्री लिख देते हो। अब ये गलती क्या है, क्योंकि अपने ट्राइंगल का जो नेम है ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर अपना एंगल नंबर फोर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये लेफ्ट साइड में लिया, तो ये आपने जो लिखा है वो लेफ्ट साइड में लिखा है, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में एंगल नंबर फोर नहीं डाल रखा हमने, तो इसीलिए ठीक है आप ये जल्दी में क्या कर देते हो इसको चेंज कर देते हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए ओ बी जो है ठीक है उसी की तरफ जो आपने एंगल डायग्राम में डाल रखा है वो नंबर उसी साइड में लिखोगे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड उसी ट्राइंगल के। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आ रहा है सर। बच्चों आपको अगर कोई डाउट है तो ठीक है आप इस वीडियो का जो चैनल है उस चैनल के अंदर ठीक है आप उसके कमेंट बॉक्स में जा करके ठीक है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, मजा आया।